दोस्तों, जब से अनाउंसमेंट हुआ था कि बुल्गारिया और रोमानिया जो है वो सेनेजन जोन में आने वाला है, तभी लोगों के मन में बहुत उत्साह देखने को मिला था। जो भी जॉब सीकर थे, चाहे इंडिया से हो, चाहे बांग्लादेश से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे श्रीलंकन से हो, हर एक जॉब सीकर के मन में बहुत सारा उत्साह था कि भाई अब चलो कम से कम बुल्गारिया और रोमानिया जो है सेनेजन जोन में आने के बाद कहीं ना कहीं हमको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और लोगों ने कम से कम 3 महीने तक वेट भी किया, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीना बहुत ज़्यादा वेट किए लोग। और अभी चूंकि अप्रैल आ चुका है और अब सबके मन में जो खुशी था वो अब डबल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि जैसे ही बॉर्डर ओपन हुआ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स देखने को मिल रहा है। अभी लगभग वर्कर्स की जरूरत है दोस्तों ये दोनों कंट्री में, बुल्गारिया में और रोमानिया में। लेकिन आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो सिर्फ रोमानिया को लेकर के मैं बात करूँगा। रोमानिया कंट्री के भी हम बात करेंगे आज। रोमानिया में कौन कौन सा वैकेंसीज है, कौन सा जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या पूरा प्रोसेस है, और अब डॉक्यूमेंटेशन में क्या चेंजेस है। जब रोमानिया सेंजन जोन में नहीं था तब क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ता था, और जब ये सेंजन जोन में आ गया है तो अब क्या नया डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर्ड पड़ रहा है, ये आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। अगर आपका भी सपना हो रोमानिया या बुल्गारिया में जाकर काम करने का, और एक बात और बता दूं मैं, ये जो दोनों कंट्री है इसमें जाने के लिए ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सिर्फ 80 यूरो अगर आप खर्च करते हैं तो आप रोमानिया तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा जो भी कुछ खर्चा हो या खर्चा नहीं हो, इसके बारे में भी आपको मैं डिटेल्स में बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें। शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप यूरोप का कोई भी सेंजन जोन में जाना चाहते हैं तो आपको लाखों रुपया खर्च करना होता है। बगैर लाखों रुपया खर्च के बिना आप नहीं जा सकते दोस्तों। वैसे अगर बात करें आज हम बुल्गारिया और रोमानिया का, तो ये दोनों कंट्री भी सेंजन जोन में आ चुका है। लेकिन क्या खर्चा उतने होने वाला है? तो बिल्कुल नहीं। अगर आप सिर्फ 80 यूरो खर्च करते हैं तो आपको रोमानिया का वर्क वीज़ा मिलने वाला है। लेकिन हाँ, तब जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू अप्लाई करेंगे तो आपको भी लाखों रुपये यहाँ पर देकर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, खुद से मेहनत करते हैं, तो आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने चर्चा की थी, मैंने ये बताया था कि डॉक्यूमेंट्स की क्या ज़रूरत पड़ता है। तो पहले रोमानिया जाने के लिए सिंपल सीवी, जो इंडियन स्टाइल का सीवी था, वो चल जाता था। लेकिन अब आपको यूरोपास और कवर लेटर बनाना पड़ेगा। बिना यूरोपास और कवर लेटर का आपको यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉयर शॉर्टलिस्ट नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, पहले तो सीख जाना है कि भाई यूरोपास होता क्या है। गूगल में जाओ, सर्च करो व्हाट इज़ यूरोपास, हाउ टू मेक यूरोपास सीवी, आपको मिल जाएगा डिटेल्स। फिर आप आपका जो भी इंडियन स्टाइल का सीवी है उसी को आप कॉपी पेस्ट करके बना सकते हैं यूरोपास सीवी। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप नहीं बना पाएंगे, तो जो भी आपका नियरेस्ट, जिसे आप जानते हैं, उनसे आप सीवी बनवा लीजिए। बना के आप कंटिन्यूसली अप्लाई करें, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं अभी, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको दिन में 1 घंटा देना है दोस्तों। 1 घंटे में अगर आपने डेली 3-4 कंपनी अप्लाई किया तो 2 महीना के बाद आपको रिप्लाई आना चालू हो जाता है। और अभी रोमानिया में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है, 1.5 लाख के करीब वैकेंसीज है दोस्तों रोमानिया बुल्गारिया में। तो रोमानिया में करीब शायद 45 या 46 हज़ार का वैकेंसी है, बुल्गारिया में ज़्यादा है। बुल्गारिया में कौन कौन सा वैकेंसी है मैं कल के वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ रोमानिया का। वो ले करके रोमानिया में फिलहाल जो वैकेंसीज है, F&B सर्विस में वेटर का, किचन में कॉमी शेफ, DC/DP और CDP का, हाउसकीपिंग में हाउसकीपिंग अटेंडेंट, पब्लिक एरिया अटेंडेंट और क्लीनर का ज़रूरत है दोस्तों। ये जॉब में अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पहले यहाँ पर $500 या $600 मिला करता था जब ये सेंजन जोन में नहीं था, लेकिन अब सेंजन जोन में आने के बाद यहाँ का जो सैलरी है वो लगभग 800 से 1300 यूरो हो चुका है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ का और नियम चेंज हो गया है,
अगर आप 8 घंटे के ऊपर काम करते हैं तो यहाँ भी आपको ओवर टाइम मिलेगा, कंपनी आपको ओवर टाइम देने वाली है। तो अगर आप सचमुच एक हार्ड वर्कर हैं, स्किल्ड वर्कर हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा सैलरी मिलने वाला है। मैं सिर्फ होटल इंडस्ट्री का सैलरी बताया, अगर आप एक इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, तो सैलरी आपको उससे भी डबल मिलता है। हालांकि ये सारे जॉब्स में आपको फ्री फूड एकोमोडेशन नहीं मिलता कंपनी की तरफ से, लेकिन अगर आप होटल्स में काम करते हैं तो आपको फ्री फूड एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, सभी चीज़ का सुविधा कंपनी की तरफ से मिलता है। यही वजह है कि मैं बार बार बोलता हूँ उन हर एक जॉब सीकर्स को जो जस्ट 10th पास हैं, मैं बोलता हूँ कि भाई आप डिप्लोमा कर लो 1.5 साल का या फिर 6 मंथ का सर्टिफिकेशन कोर्स कर लो होटल मैनेजमेंट का, तो इससे मदद ये होगा कि आपको जॉब मिलने में आसानी हो जाएगी, आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी विदेश में। और अगर आप इंडिया में काम करते हैं होटल मैनेजमेंट करने के बाद, तो यहाँ पर सैलरी 10 से 12 या 15 हज़ार मिलता है। वही काम अगर जाके आप यूरोप में करते हैं तो आपको 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख के बीच सैलरी मिलता है। ठीक है, सेम समय, वही स्किल्स, वही वर्क, वही सब कुछ करना है, बस थोड़ा दूरी का फैसला है दोस्तों। और इनकम की बात करें तो लाखों में फैसला है, राइट और रॉन्ग। तो ये सारी बातें आपको सोचना है कि क्या करना है, भैया इंडिया में काम करना है या फिर अब्रॉड में जाकर काम करना है, ये सोचो और अपना डिसीजन खुद लो। रोमानिया जाने के लिए ना तो आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई एजेंट्स की ज़रूरत है, और ना ही फंड्स की ज़रूरत है। कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि यूरोप जाने के लिए कुछ पैसा चाहिए क्या, फंड्स दिखाने के लिए, बैंक डिपॉजिट, बैंक में इतना पैसा होना चाहिए, उतना पैसा होना, कई कंट्री पूछते हैं ना, तो क्या रोमानिया में भी इसे दिखाना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं। इंग्लिश, रोमानिया में ज़्यादा लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, रोमानियन लैंग्वेज बोलते हैं, फिर भी अगर आपको इंग्लिश आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आता है, सिर्फ बेसिक आता है, तो आप जा करके यहाँ काम कर सकते हैं। एजेंट्स की बात करें तो दोस्तों आपको एजेंट्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ वेबसाइट का लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप अप्लाई करना चालू कर दें। वैसे भी अगर गूगल में जाकर के सर्च करेंगे कि जॉब्स इन रोमानिया, तो आपको बहुत तरीके के जॉब मिल जाएंगे, लेकिन हाँ, अप्लाई करने से पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होना चाहिए। दूसरा, जब भी आप कोई भी वेबसाइट में अप्लाई करते हैं तो सतर्क रहें, क्योंकि वेबसाइट बहुत ज़्यादा बोगस होता है, जो आपका पैसा भी ले लेगा और काम करके भी नहीं देगा, ऐसे भी कुछ वेबसाइट्स हैं, हाँ, तो जब भी आप अप्लाई करते हैं तो वो थोड़ा सतर्क रहें। अगर आप मेरा हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे कुछ आपको मदद चाहिए, चाहे वो CV बनाने के लिए हो, कवर लेटर बनाने के लिए हो, चाहे जॉब्स के लिए अप्रोच करने के लिए हो, तो ये जो नंबर दिख रहा है दोस्तों, इस नंबर पे कॉल करें, अपना करियर काउंसलिंग स्लॉट बुक करें, ताकि जब मैं आपसे बात करूँगा 30 से 45 मिनट तक वीडियो कॉल में, आपको इन डिटेल्स में समझ में आता है कि आप कैसे और कितना दिन में रोमानिया में जॉब ले सकते हैं, वीजा कैसे मिलता है, कैसे आप स्टाम्पिंग होगा, कैसे आपको जॉब मिलेगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं 1-on-1 30 से 45 मिनट। लेकिन उसके लिए आपको ये नंबर पे कॉल करके स्लॉट बुक करना होगा। जैसे स्लॉट बुक करते हैं, फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं 45 मिनट का, जो आपका करियर के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने बताया रोमानिया और बुल्गारिया को लेकर के, हालांकि मैंने ज़्यादा रोमानिया के बारे में बताया कितना वैकेंसीज है, कल का वीडियो में मैं बुल्गारिया के बारे में बात करूँगा, जिससे आपको और क्लियरली समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।